एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैनफिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। सो गाइस, आज से हम एक न्यू फैनफिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, मेरे लास्ट फैनफिक्शन से मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व ये किया है कि बहुत लंबी स्टोरीज आप लोगों को शायद बोर कर जाती हैं। मेरे लास्ट फैनफिक्शन यानी डेविल एंड द बनी वाला माफिया वाला, उसमें मैंने नोटिस किया कि जब तक 10 और 12 पार्ट्स होते हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल, मुझे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे होते हैं। अब 12 पार्ट के बाद तो मेरे व्यूज़ आधे पे आ जाते हैं, यानी 2500 होते हैं, तो करीबन 1500, 1600 या 1700 पे ही रुक जाते हैं। एंड आई ऑब्जर्व कि हो सकता है कि लोग ज़्यादा लंबी स्टोरी के साथ कनेक्टेड फील ना करते हो, तो मैं खासकर आगे से थोड़ा शॉर्ट स्टोरी ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। राइटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी को कितना स्ट्रेच करना है, कितना स्मॉल में करना है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो आप लोग मुझे आज फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, मुझे लॉन्ग स्टोरी लानी चाहिए या शॉर्ट लानी चाहिए। वैसे मैं इस स्टोरी के बारे में बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। बहुत ज़्यादा छोटी इन द सेंस कि वन शॉट तो बिल्कुल नहीं हो सकती, दूसरा ये बहुत लंबी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4 पार्ट या 5 पार्ट में मैं इसे कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। और चलिए स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। ये स्टोरी ओमेगा वर्जन है, यानी इसके अंदर आपको अल्फा, बीटा, ओमेगा, हीट, रॉड, नॉटिंग, इस टाइप के टर्म सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप की है। ये इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्लैंस नहीं बल्कि पैक्स हैं, यानी जियांग पैक, लैंड पैक, जिन पैक और वैन पैक और नी पैक, ये खासकर कुछ पैक्स हैं। इनके अंदर आपको वेयरवुल्फ ट्रांस मतलब होने वाला सीन भी मिलेगा, यानी अल्फा फॉर्म, ओमेगा फॉर्म, जिसमें वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफर होंगे या ये कह सकते हैं उस रूप में आएंगे हिंदी में, और वो वाले टर्म्स भी आपको सुनने के लिए मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइम भी नहीं है, यानी ये एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड है जहाँ इलेक्ट्रिक्स मतलब गैजेट्स और ये सारी चीज़ें भी हैं, और उसके अलावा कुछ सुपर पावर पावर्स इस टाइप की चीज़ें भी हैं, जैसे गोल्डन कोर एंड ऑल, ये चीज़ें भी सुनने के लिए मिलेंगी। चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा शानदार होटल, ये होटल बहुत ज़्यादा VIP लोगों के लिए मतलब एक तरह से सिर्फ रिजर्व रहता है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत मेहनत के बाद आखिरकार आज विंग को वो मौका मिल रहा है जिसके लिए वो कई महीनों से इंतज़ार कर रहा था। इस होटल में उसे एक एंट्री का मौका मिल रहा है। कुछ वेटर के कपड़े पहन के विंग कॉरिडोर से निकल रहा है और तुरंत एक रूम के बाहर आ जाता है। तुरंत अपनी पॉकेट से उस रूम की निकाल के विंग उस रूम में एंटर करता है, और तुरंत जैसे ही वो उस रूम में एंटर करता है तो उस रूम के साइड में एक बैग अपने नाम से देखते हैं। ये बैग उसके उसी दोस्तों ने यानी नहनी हुसैन ने मदद करी है आर्विंग को इस होटल में इस एंट्री मिलने की, और इन सब में नी हुसैन ने मदद की है। वन आर्विंग जैसा एक ओमेगा, एक लो क्लास ओमेगा, ये कह सकते हैं एक ऐसे पैक का ओमेगा जो पैक बर्बाद हो गया, उसे इतने बड़े शानदार होटल में एंट्री मिलना नामुमकिन था। विंग उस बैग को उठा के मन में न्यूसैन को जितना थैंक यू बोल सके उतना बोलता है। उसके दिन आज लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, एक ऐसा दिन जो उसके बदले में उसके रिवेंज में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसके लिए उसने कई दिनों तक मेहनत करी है। यही सोच के विंग उस बैग को लेके तुरंत वॉशरूम में चला जाता है और जल्दी से उस वेटर की ड्रेस को अपनी बॉडी से रिमूव करना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी रिवेलिंग और ऐसी ड्रेस वो पहन के रेडी हो रहे हैं जिसमें उसकी पूरी चेस्ट विजिबल हो रही है, क्योंकि उसने एक ट्रांसफर या एक होता है ना बिल्कुल झल्ली जैसे कपड़े जिसमें आपकी पूरी बॉडी विजिबल हो, एक ऐसे शर्ट पहनी हुई है जिसमें उसकी प्रॉपर चेस्ट दिख रही है, उसके निपल्स दिख रहे हैं, उसकी वो एक तरीके से अबव बॉडी ऑलमोस्ट विजिबल है, इतनी ज़्यादा नेट वाले उसने वो शर्ट कैरी की है, उतना ही टाइट उसका वो ट्राउज़र भी है जिसमें उसकी पूरी बॉडी शेप अच्छे से दिख रही है। ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र और ये शर्ट उसने जान पूछ के आज के दिन के लिए ही नी हुसैन से मंगवाई थी। विंग अपने आप को मिरर में देखता है। विंग को पता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यही कारण है कि वो हमेशा वेंचिंग उसे मास्क लगा के ही उस क्लब में जॉब करने के लिए बोलती है जिस क्लब में विंग पिछले कई सालों से जॉब कर रहे हैं। चलिए विंग के बारे में जान लेते हैं, विंग क्यों आज इस तरीके से ऐसी हरकत कर रहे हैं,
क्यों वो एक अनजान अल्फा के रूम में इस तरीके से ऐसे कपड़ों के लिए रेडी पहन के रेडी हो रहे हैं। आज क्या कारण है जो विंग इतनी बुरी तरह से इतनी सेडक्टिव वे में रेडी हो रहा है? क्यों वो अपने चेहरे को मेकअप से रेडी करके अपने गले से वो स्पेशल पेंडेंट रिमूव करके खड़ा हुआ मिरर के सामने खुद को देख रहा है। ये स्पेशल पेंडेंट या चेन के अंदर एक पेंडेंट है जो खासकर विंग पहनता है। इस पेंडेंट की खास बात ये है कि ये अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक स्पेशल मैजिकल पेंडेंट है जो खासकर वेंचिंग के फादर यानी डॉक्टर वैन ने स्पेशली अपने बेटे यानी वैनिंग के लिए बनवाया था। जब उनका बेटा बहुत छोटा था उन्हें डर था कि उनका बेटा ओमेगा ना बन जाए। अब वो अच्छे से जानते हैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब वो रह रहे हैं ओमेगास का क्या हाल है। उन्हें डर था कि उनके बेटे के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए अपने बेटे के खाते उन्होंने ये पेंडेंट बनाया था जो एक तरीके से एक गले में बैंड वाली तरह बिहेव करता है। गले में ओमेगा पट्टा ना पहन के ये डाल के ने से लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप ओमेगा हो और आपके सेंट ग्लैंड को पूरी तरह से ये कवर कर देता है। बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद उन्होंने ये पेंडेंट बनाया था, पर उनके अलग और उनकी वो विशेष जो शायद वो और उनकी वाइफ दिन रात मांगते थे कि गलती से भी उनका बेटा ओमेगा ना निकल बन जाए, शायद भगवान ने सुन ली। इसलिए बहनी जब उसका 16th जेंडर रिवीलिंग डे रहा तब वो एक बीटा बन के निकला, जिससे उनके फादर को बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस फ्री हो गया। वहीं वेंचिंग बचपन से ही एक अल्फा वाले ट्रेट्स कैरी करती थी और अल्फा ही थी, इसलिए उन्हें अपने दोनों बच्चों के लिए वो फ्री हो गए। लेकिन यह पेंडेंट उन्होंने उस दिन विंग को दे दिया था जब उन्हें विंग पहली बार मिला था। वो जानते थे कि विंग अपनी एक ओमेगा ही है, क्योंकि विंग जितना ब्यूटीफुल अल्फा हो ही नहीं सकता। अब बीटास के पास स्मेल नहीं आती जो विंग के पास हल्की हल्की सी उस दिन भी आ रही थी। चलिए जानते हैं विंग की हिस्ट्री के बारे में। जियांग क्लैन एक टाइम पे बहुत बड़ा पैक था जहाँ पे अच्छा खासा लोग रहते थे। इस पैक के पास पावर कोई सुपर नेचुरल ताकत या पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये पैक अपने आप में खुश था। ये छोटा सा पैक बाकी पैक से ज़्यादा पंगे भी नहीं लेता था, अपने अपने में रहता था, इसी कारण बाकी पैक्स भी इस पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। वैन क्लैन ऐसा नहीं सोचता था। वैन पैक अपना पावर और कमज़ोर पैक्स को अपने अंडर में लेकर एक स्ट्रॉन्ग पैक बनने की होड़ में रहता था। वो एक काफ़ी बड़ा क्राइम से घिरा हुआ पैक है। उसके अल्फाज हमेशा ओमेगास और बीटास के साथ बुरा भी करते हैं। वो खुद काफ़ी सारे गलत काम में लगा रहता है। इसी कारण जैसे ही उसे दिखा कि जियांग पैक के दूसरे हायर यानी जियांग पैक फैमिया और मैडम यू का दूसरा बच्चा जेंचा का जेंडर रिवीलिंग होने वाला है, तो वो उस दिन का वेट कर रहा था। और उस दिन जैसे ही उसे पता चला कि जेंचा बीटा है तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में इन लोगों की सेकंड फॉर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, यानी एक अल्फा का वेयरवुल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, साइज में काफ़ी बड़ा होता है एज़ कंपेयर बीटा का वेयरवुल्फ या ओमेगा का वेयरवुल्फ। यही कारण है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में चाहे ओमेगा कितना भी अपना गोल्डन कोर को स्ट्रॉन्ग कर ले, कितनी भी अपनी कल्टीवेशन स्किल को इंक्रीज करने की कोशिश करे, लेकिन वो जब वेरिएबल फॉर्म में आते हैं तो ना चाहते हुए भी वो अल्फा को टक्कर नहीं दे सकते। इसी कारण जैसे ही जैंक्स पैक के बाहर दोनों हायर्स अल्फा नहीं थे, तो इस बात का वैन क्लैन ने फ़ायदा उठा के उस पैक पे अटैक कर दिया। उस पैक के दोनों हायर यानी यानली जो पहले से ही एक ओमेगा थी और दूसरा हायर अब एक बीटा बन गया, तो वो लोग जानते थे कि कुछ भी करके अब जैन फैमिया या मैडम यू उन लोगों से टक्कर नहीं ले सकते। वहीं मैन रोहन एक घमंड में चूर अल्फा है जिसके दोनों अल्फा बेटे काफ़ी स्ट्रांग कहे जाते हैं। वैनजू और वैन चाओ दोनों ही बहुत स्ट्रांग अल्फा हैं, इनका वेयरवुल्फ फॉर्म भी काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। इसी कारण उन लोगों ने रातों रात जियांग्स पैक पे हमला कर दिया और जियांग्स पैक के उस समय के जो पैक लीडर थे उनकी लूना थी उन दोनों को मार दिया, यानी जैन फैमिया और मैडम यू को और उनके दोनों बच्चों को। जब मैडम यू और जैन फैमिया ने सेव करने के लिए अपने पैक से एक वाटर बोट से भेजने की कोशिश की थी तो उस बोट पे भी अटैक कर दिया और वहाँ से वो ज़बरदस्ती उनकी फर्स्ट हायर यानली को उठा के ले गए।
और जिन कहा जाता है कि जंचा को उन्होंने उसी समय मार के पानी में फेंक दिया था। अब इस पैक को पूरी तरह से वो अपने अंडर ले चुके हैं, यानी जंग पैक का ना कोई हायर है ना कोई सेक लीडर है, इसलिए अब वैन पैक ही उनको अपने अंडर लेते हैं। लेकिन ये आधा सच है जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये नहीं पता कि जियांग पैक का एक और पर्सन था जिसके बारे में मैडम यू और जैन फेमिया ने ज़्यादा नहीं बताया था। ये वैसे तो ये मैडम यू का उस पर्सन के लिए नफरत थी, वो जैन फेमिया का एडॉप्टेड सन वी वुशान था। मैडम यू कभी भी उसे पैक मीटिंग्स या उसमें ले जाती ही नहीं थी, उन्होंने तो ऑफिशियली कभी ये चीज़ मानी ही नहीं कि वो उनका अडॉप्टेड सन है। वो तो जैन फेमिया, जंचा और यानली थे जो घर पे उसे प्यार से रखते थे। मैडम यू को विंग के होने या ना होने से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा, बस वो कहीं से भी उनके बेटे की बराबरी ना करे, कहीं भी उसका नाम उसका हस्बैंड यूज़ ना करे। इसी कारण वो हमेशा से विंग को कहीं भी मतलब बताने के बारे में या विंग की इन्फॉर्मेशन किसी को देती ही नहीं थी। यही कारण था कि एक तरीके से ये विंग के लिए एक ब्लेसिंग बन गया, क्योंकि विंग के बारे में वैन क्लैन को पता ही नहीं था। उन्हें तो सिर्फ दो ही लोगों के बारे में पता था, उस बोट में एक विंग भी था, उन लोगों को पता ही नहीं था। उस समय जब जंचा को गोली लगी थी और वो पानी में गिरा था तो विंग तुरंत उसके पीछे कूद गया था अपने भाई को बचाने डूबने से। और वह जब वो ऊपर अपने भाई को लेकर सरफेस तक पहुंचा था तो उसने देखा था किस तरीके से उसकी सीजे को यानी यानली को जबरदस्ती वो उस बोट से खींच के ले गए थे। उस दिन बेचारा विंग पूरी तरह से टूट गया था। उसे पता है कि ये लोग ओमेगास के साथ क्या करते हैं, उसकी सीजे के साथ क्या किया होगा, यही डर गया था। और उससे ज़्यादा डर तो उस समय उसने अपने भाई के लिए था जिसकी बॉडी उसके हाथ में थी। विंग पूरी रात ठहर के वैन क्लैन के बॉर्डर तक ही पहुंचा था, क्योंकि अपने क्लैन में तो वो वापस जा ही नहीं सकता था, या कह दे अपने पैक में जाके वो करता भी क्या। उसमें तो एक तरीके से वैन पैक ने अटैक करके लोगों को मारना और खून करना शुरू कर दिया था। उसे पता था कि वहाँ जाके तो मुसीबत ही आएगी, इसलिए वो वैन मतलब एक ना पैक के बॉर्डर पे पहुंचा था। और वहाँ पे उसको सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जो मिला था उसने अपने भाई को वहाँ एडमिट कर दिया था। उसकी शायद कुछ किस्मत अच्छी ही थी कि ये हॉस्पिटल डॉक्टर वैन चलाते थे। डॉक्टर वैन एक जिनको एक लोग डॉक्टर वैन फोर भी कहते हैं, अंकल फोर भी बोलते हैं, वो एक वैनचिंग और वैनिंग के फादर हैं। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ यहीं पे रहते थे। उनकी बेटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा है और एक वैन मतलब एक तरह से वैन पैक में काफ़ी बड़ा नाइट क्लब चलाती है, एक स्पेशल टाइप का नाइट क्लब जिसमें अधिकतर बीटास जॉब करते हैं। बीटास को भी ज़्यादा कोई वैल्यू मिलती नहीं, लेकिन वेंचिंग बीटास और ओमेगास के बारे में सोच के इस नाइट क्लब को चलाती है। गरीब ओमेगास को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ लोग कमा लेंगे, इसी कारण वो ये नाइट क्लब चलाती है। वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा है इसलिए उसके नाइट क्लब में कोई जल्दी से इंटरफेयर नहीं करता। ऊपर से वैन रोहन का दूर का कज़न है डॉक्टर फोर वेंचिंग और वैनिंग को हमेशा अपने भाई या अपने कज़न बदर से दूरी रखते थे और उनका नेचर भी अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं है। इसी कारण वो एक चैरिटी हॉस्पिटल को यहाँ रन करते थे जहाँ विंग अपने भाई के साथ उस रात पहुँचा था। विंग एक 15 साल का छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसकी 16 बर्थडे बहुत ही करीब था, इसलिए शायद उसको पहले से ही एक ओमेगा वाली स्मेल उसके सराउंडिंग में फील भी हो रही थी। जब से ही डॉक्टर मतलब वैन को विंग और उसका घायल भाई मिला तो वो समझ गए कि पक्का ये जियांग्स क्लैन से ही भागे हुए लोग हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जियांग क्लैन में लोग मर रहे हैं। वैन पैक ने मतलब करा है जो सब कुछ उसके बारे में उसे पता था, वो इन लोगों की मदद करता है सबसे छुपा के इस बच्चे का यानी उस 18 साल के मतलब जंचा का ऑपरेशन करता है और तब से जंचा कोमा में है। डॉक्टर वैन इस बारे में किसी को बताते भी नहीं और चैरिटी में उसके अब भाई का इलाज करते थे। वहीं विंग को उस दिन रात में डॉक्टर वैन ने प्यार से अपने बेटे का वो पेंडेंट पहना दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये ओमेगा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि 15 साल का विंग उस समय भी इतना अट्रैक्टिव था। उसकी वो प्यारी सी बड़ी बड़ी आँखें, उसका वो शार्प नोज, वो प्यारे से लिप्स और उनके नीचे वो ब्लैक मोल, उसकी फेयर स्किन, इन शॉर्ट वो इतना अट्रैक्टिव था कि एक बार के लिए डॉक्टर वैन समझ चुके थे कि किसी भी मतलब एक तरह से अल्फा का इसकी तरफ अट्रैक्ट होना बहुत कॉमन होगा। और इस बेचारे बच्चे को इस समय कोई ना फैमिली है ना कुछ है, तो क्या पता इसके साथ क्या हो।
और इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ओमेगास के साथ रहती है वो उनकी स्मेल रहती है, जो कई बार उन्हें परेशान कर देती है। यहाँ पे जो हमारा जंचा है उसका लेट जेंडर रिवील हुआ, अधिकतर 16 साल तक लोगों का जेंडर रिवील हो जाता है, लेकिन उनकी पहली हीट और रट अधिकतर 18 ईयर तक आती है, लेकिन 16 ईयर तक लोगों को पता चल जाता है कि वो अल्फा हैं या ओमेगाज हैं। वहीं जंचा को 18 पे पता चला था कि वो बीटा है, और यहाँ पे वीन को 16 बर्थडे से पहले ही, क्योंकि उसकी स्ट्रेस कह दो या उसकी स्पेशल, वो एक तरह से मेल ओमेगा है जो कि रेयर है इस समय, वो उसका रीज़न कह दो कि उसको उसके 16 बर्थडे से पहले ही डॉक्टर फोर या डॉक्टर वैन ने उसके गले में ये पेंडेंट डाल दिया था, और तब से विंग लोगों के सामने बीटा बन के रहता है, लेकिन असलियत में वो ओमेगा है। आज 2 साल बाद उसने गले से ये पेंडेंट उतारा है, क्योंकि वो यहाँ एक स्पेशल मिशन की वजह से इस होटल रूम में है, और उसका कारण है कि इस समय के कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा को वो सीड्यूस करना चाहता है। उसे समझ आ गया है इस 2 साल में वेंचिंग के साथ उस नाइट क्लब में जॉब करते करते, जहाँ वो एक बार टेंटर की जॉब करता है, वो अपने फेस पे हमेशा मास्क लगा के रखता है, गले में ये पेंडेंट डाल के रखता है, तो लोग उसे बीटा ही समझते हैं। बीटा कमज़ोर भी होते हैं, ओमेगा जैसी भी कई बीटास बॉडी कैरी करते हैं, ऊपर से उसके बाद हल्के से बड़े रखता है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि शायद वो एक फ़ीमेल बीटा है या, क्योंकि वो अधिकतर कपड़े भी थोड़े फीमेल वाली तरह ही कैरी करता है। उसका कारण वेंचिंग है, वेंचिंग नहीं चाहती लोगों को पता चले कि वो एक मेल ओमेगा है। मेल ओमेगा के लिए लोग पागल हैं, क्योंकि मेल ओमेगा बहुत कम मिलते हैं, और मेल ओमेगा की सबसे ज़्यादा दुर्गति है। वो लोग एक तरीके से कभी भी किसी के लूनाज भी नहीं बनते हैं, क्योंकि फीमेल्स लूना ही बनती हैं, और उसके बाद वो अधिकतर लोगों के सेक्स टॉयज बन के ही रह जाते हैं। मेल ओमेगास की बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केट में भी डिमांड है, और यही कारण है कि विंग को थोड़ा फीमेल वाली तरह मेकअप करके, तो उसका फेस हमेशा कवर करके वेंचिंग अपने छोटे भाई की तरह ही रखती है। वो जानती है विंग की ब्यूटी, विंग की बॉडी और विंग का ये रियल मेल ओमेगा होना उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं विंग के दिमाग में तो कुछ और चलता है, वो रोज़ रात में अपनी कल्टीवेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समय में ही यानी 1-1.5 साल में डॉक्टर वैन वेंचिंग के साथ रह के और अब उस बार मतलब उस तरह से क्लब में रह के ये समझ में आ चुका है कि वो अपनी कितनी भी स्ट्रॉन्ग कर ले गोल्डन कोर, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो कभी भी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में होगा तो पक्का वो एक किसी भी एक अल्फा के स्ट्रॉन्ग बराबर स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन पाएगा, और यही कारण है कि उसे एक अल्फा चाहिए, और वो उसी अल्फा की आज अपनी चाल कह लो या अपने प्लान के अकॉर्डिंग फंसाने के लिए इस होटल में पहुंचा है। उसे पता चला है कि इस समय के कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग पैक जो है वो लैन पैक है। इतना ही नहीं, स्ट्रॉन्ग पैक के साथ साथ उसका अल्फा फॉर्म भी सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। कहा जाता है कि लैन पैक के अल्फाज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, वाइल्ड, पोजेसिव और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, खासकर अपने उन ओमेगास के लिए जिन्हें वो नोटेड करते हैं। विंग जानता है कि लैन पैक के ओमेगास जो हैं वो भी अपने अल्फाज के साथ खुश रहते हैं। इसे दूसरे पैक के ओमेगास को अधिकतर लैन पैक के ओमेगास अल्फाज वैल्यू भी नहीं करते हैं। का एक और कारण है कि लैन पैक के अल्फाज पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फेमस हैं, और उसका कारण है कि उनका एक ही ओमेगास के साथ बॉन्डेड होना। कहा जाता है कि लैन पैक के अल्फा एक बार किसी ओमेगा को नोटेड कर दे तो उस ओमेगा के लिए पूरे के पूरे जिन दुनिया को आग लगा सकते हैं, और विंग यही सब रिसर्च करके एक लैन पैक के अल्फा को फंसाना चाहता है। ये कोई नॉर्मल अल्फा नहीं है, ये इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे डेंजरस, सबसे ज़्यादा वाइल्ड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा खूंखार अल्फा है हंगवन जुन। जितना विंग ने रिसर्च किया उसे पता चला है कि हंगवन जुन का वेयरवुल्फ फॉर्म और यह अल्फा फॉर्म इतना ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग है कि अब तक उसके बराबर उसकी टक्कर देने वाला वेयरवुल्फ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में तो कोई भी नहीं है। विंग ये भी जानता है कि हंगवन जुन किसी ओमेगा के कभी पास में नहीं गया, वो ये भी जानता है कि हंगवन जुन कभी भी किसी फीमेल अल्फा ओमेगा
या बीटा को कभी एक तरह से कहते हैं ना अपने आसपास आने भी नहीं देते हैं। इसलिए विंग को लगता है कि शायद वो एक मेल ओमेगा या बीटा में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि फीमेल्स को तो अपने पास आने नहीं देता। और उसको लगता है कि वो अपनी ब्यूटी में, अपनी पावर में, और जितना उसकी स्मेल को रिसर्च करके डॉक्टर एक तरह से वी ने बताया, वैन ने बताया है, विंग की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेडक्टिव है, क्योंकि वो शायद एक रियलिस्ट प्योर ब्लड ओमेगा है। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा एक तरीके से ओमेगा स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी अल्फा को तुरंत रेड में ला सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग है विंग की ओमेगा फेरोमोन्स। विंग सोच रहा है कि आज वो अपनी इसी पावर को यूज़ करके हंगवन जुन के साथ नाइट स्पेंड करके उसे मजबूर करेगा अपने साथ नॉटेड करने के लिए। एक बार अगर वो हंगवन जुन को अपने साथ फंसा पाया, ये कह दें उसको अपने साथ किसी भी तरह से खुद को मार कर लिया या उसे मार कर लिया या नोटेड हो गया, तो वो हंगवन जुन के थ्रू पक्का इन वेंटलैन वालों से बदला ज़रूर लेगा। तो यही सोच के बहुत स्मार्टली खुद को ड्रेसअप करके उस रूम के अंदर आता है और उस बेड पे बैठ जाता है। वो कोई उसके दिल की बात समझे तो वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, घबराया हुआ है और नर्वस है। उसे नहीं पता कि हंगवन जुन कैसे रिएक्ट करेगा। पिछले 4 से 5 महीने तक से भी हंगवन जुन को ट्रैक कर रहा है, हंगवन जुन की हर बात को, हंगवन जुन के नेचर को, हंगवन जुन के उस कोल्ड ऑरा को उसने खुद महसूस किया है। कई बार उसने खुद हंगवन जुन के आसपास आने की कोशिश की है, लेकिन हंगवन जुन ना ही कभी किसी को नोटिस करता है और ना ही कभी किसी को घास डालता है। उसे ये डर है कि कहीं ना कहीं उसका आज का प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि हंगवन जुन जितना कोल्ड हार्टेड है, जितना उसका अल्फा एक तरीके से गुस्सेल है या रिजर्व्ड है, अगर उसे विंग का इस रूम में ऐसे चुपचाप आना पसंद नहीं आया तो वो विंग की जान भी ले सकता है। इसलिए विंग थोड़ा डरा हुआ तो है, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल करके यहाँ बैठा हुआ है। उसे उम्मीद है कि शायद आज उसका काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो आज मर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी सीजे को वो पिछले 2 साल से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे इतने 2 साल से इस वैन क्लैन में रहने के बाद या वैन पैक में रहने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि उसकी सीजे यहाँ नहीं बल्कि जिन पैक में है। उसकी सीजे को यहाँ लाते ही जिन पैक में बेच दिया गया था वहाँ उसकी सीजे किस हालत में है, कहाँ है, वो नहीं जानता। वो अपनी सीजे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो जानता है कि शायद उसकी सीजे को बचाने का ये उसके पास लास्ट चांस है, इसलिए आज वो पूरी तरह से अपने आप को हंगवन जुन के हाथ में सौंपने के लिए रेडी बैठा है। विंग अपनी इन सब सोच में गुम ही था तभी उसे रूम के डोर खुलने की आवाज़ आती है। वहीं दूसरी तरफ हंगवन जुन जैसे ही इस रूम में एंट्री करता है तो उसे भी एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा की स्मेल रूम में फील होती है। पर हैरानी की बात यह है कि पहली बार हंगवन जुन को किसी ओमेगा की स्मेल से एक अजीब सी इरिटेशन नहीं हुई। उसका अल्फा इस चीज़ से गुस्सा नहीं हुआ बल्कि बहुत काम है। ये ओमेगा स्मेल सचमुच में बहुत ज़्यादा सेडक्टिव है। ये एक लोटस और हनी का मिक्स स्मेल है जो बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल कर रही है। वांगजी को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। वो ना चाहते हुए भी अपने आप को इस रूम से बाहर नहीं निकाल पाता। वो चाहता तो है कि वो इस रूम से अभी बाहर निकले और तुरंत अपनी पैक मेंबर्स को बुला के इस रूम में जो ओमेगा है उसकी जान ले ले, लेकिन उसका अंदर का अल्फा आज जानना चाहता है कि कौन है ये ओमेगा जिसकी इतनी सेडक्टिव, इतनी स्वीट स्मेल है। अधिकतर ओमेगास एक सिंगल स्मेल कैरी करते हैं, यानी किसी की होगी तो सिर्फ रोज़ की होगी, लोटस की होगी या सिर्फ लिली की होगी। ये पहली बार एक ऐसा स्मेल है जिसमें 2 स्मेल आ रही हैं, थोड़ी सी रोज मतलब लोटस की है और थोड़ी सी स्वीट हनी की भी स्मेल है, जो वांगजी को भी अल्फा को भी हल्का सा सेडक्टिव मतलब फील करवा रही है। वांगजी जब रूम के अंदर आता है तो देख के शॉक हो जाता है। रूम में लाइट जली हुई नहीं है, जो मेन बेडरूम है उसमें सिर्फ कैंडल्स लगी हुई हैं और बीचों बीच एक ओमेगा बैठा हुआ है। ये ओमेगा जेन्युइनली कोई हेवन की ब्यूटी वाली तरह खूबसूरत है। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा वांगजी ने भी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, और वांगजी के अल्फा को भी इस ओमेगा की तरफ एक अजीब सी अट्रैक्शन हो रही है। वांगजी अब थोड़ा गुस्से में और नाराज़गी में अपनी कोल्ड ऑरा के साथ बोलता है, कौन हो तुम,
इस बार फिर वांग जी विंग अपनी सोच से बाहर आके सामने देखता है। अब पहली बार वांग जी ने विंग को नहीं देखा है, लेकिन पहली बार इतने पास से वांग जी ने विंग को देखा है। आज से पहले कई बार वांग जी ने को विंग ने पीछा किया है, उसके पास आने की कोशिश की है, लेकिन इतना क्लोज तो कभी नहीं है, यानी एक रूम जितना क्लोज। वांग जी सामने खड़ा हुआ है, व्हाइट कलर के उसने शर्ट पहनी हुई है, डार्क ब्लू कलर के उसने टक्सीडो पहने हुए हैं, पैंट पहनी हुई है, और उसी टक्सीडो की जैकेट या कोट उसके हाथ में है, जिससे वांग जी के ऊपर के दो बटन खुले हुए हैं, शायद शर्ट के बटन भी फोल्ड होके उसने अपनी कॉलर उतना एल्बो तक फोल्ड करे हुए हैं। वांग जी की स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी विंग को साफ साफ महसूस हो रही है, पर वांग विंग अपने ऊपर हल्का सा एक कंट्रोल करते हुए अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए थोड़ा सेडक्टिव वे में बोलता है, आपका ओमेगा। इस बात पे वांग जी का अल्फा थोड़ा ग्रोल करता है और तुरंत आगे आके विंग का फेस को कस के पकड़ लेता है, उसकी चिन ऊपर करता है और गुस्से में विंग की तरफ गुर्राते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारा नाम पूछा, मेरा कोई ओमेगा नहीं है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रूम में आए विदाउट मेरी परमिशन के। ये बोलने के बाद वांग जी गुस्से में और विंग की फेस जो उसकी चिन है उसे कस के पकड़ता है। साफ साफ वांग जी के हाथ विंग की उस मिल्की वाइट स्किन पे अगर वांग जी अब हाथ हटाएगा तो उसके उंगलियों के निशान साफ साफ विजिबल हो सकते हैं, इतनी टाइट वांग जी ने विंग को पकड़ा हुआ है। लेकिन विंग घबराता नहीं है, बल्कि अपनी आंखों में एक अजीब सी सेडक्टिव वे से देखते हुए अपने फेस को हल्का सा और वो करते हैं, हो नहीं तो बन जाऊंगा, आपका ही ओमेगा हूं मैं, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक बार चांस तो देके देखिए इस ओमेगा को। इस बात पे वांग जी गुर्राते बोलते हैं, तुम्हारा नाम पूछा है मैंने। इस बात पे वांग जी से थोड़ा डरते हुए वी घबरा के बोलते हैं, मो श्वानु, मेरा नाम मो श्वानु है और मैं आज हंगवन जून के लिए स्पेशल सर्व करने आया, क्या एक चांस नहीं देना चाहेंगे आप इस ओमेगा को? आप भी अच्छे से जानते हैं मेल ओमेगास बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मैं तो खुद आज आपके पास आया हूँ। ये बात बोलने के बाद वांग जी के उस हाथ को किसी विंग को पकड़ा हुआ था उसे हल्का सा, क्योंकि वांग जी की पकड़ हल्की सी लूज हो गई है, अब थोड़ा सा नीचे हो गया, तो उसकी एक फिंगर लिक करते हुए बोलता है, वांग विंग का इस तरीके से उसकी फिंगर लिक करना और ये बोलना कि वो उसको सर्व करना चाहता है, अचानक से वांग जी का अल्फा जैसे वांग जी के ऊपर कंट्रोल कर देते हैं, वांग जी की वॉइस और ज़्यादा ब्राइट गोल्डन कलर से शाइन करने लगते हैं। विंग देख रहे हैं कि शायद वांग जी नहीं, लेकिन वांग जी के अल्फा को तो विंग शायद पसंद आ गया है, वो सही था, उसकी स्मेल शायद इस अल्फा को तो सीड्यूस कर चुकी है, इसी कारण तुरंत विंग इस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी जगह से उठ के वांग जी के गर्दन में अपने दोनों हाथ रैप करके उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। एक मिनट लगती है वांग जी को ये फील करने में कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसका अल्फा जैसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था इस ओमेगा की इस बहादुरी को, इस ओमेगा का इस तरीके से खुद से वांग जी को किस करने से, वो तो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन वांग जी को जैसे ही अपने बॉडी पे दोबारा कंट्रोल आता है तो गुस्से में विंग को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण विंग डिसबैलेंस होकर बेड पे पीछे गिर जाता है। जैसे ही विंग पीछे गिरता है तो उसकी वो एकदम से जो बहुत टाइट शर्ट थी वो उसके कुछ बटन एकदम से खुल से जाते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी उसकी वो चेस्ट अब पूरी तरह से विजिबल है। वांग जी गुर्राते हुए बोलता है, तुम मेरे रूम से बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अब विंग ना चाहते हुए भी शायद थोड़ा डर रहा है, उसे नहीं पता अब वांग जी क्या करेगा उसके साथ, लेकिन वो फिर भी थोड़ी हिम्मत करते हुए अपने आप को थोड़ा सा बैठते हुए बोलता है, आपको शायद समझ नहीं है लेकिन आपके अल्फा को ये ओमेगा बहुत अच्छा लगा है, बस एक चांस चाहता हूँ मैं, आप जैसे ग्रेट अल्फा के साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, कुछ क्वालिटी टाइम
आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये बोल के भी अब अपने ऊपर और हिम्मत करते हुए वांग जी की तरफ और मतलब एक तरह से होता है ना पोजीशन चेंज करके, जैसे एक डॉग या एक कैट होता है उस तरीके से बैठ के हल्का सा आगे आ जाता है और फिर ऐसे ही वो वांग जी की तरफ देखते हुए उसके ऊपर क्लाइम करना शुरू कर देता है। विंग का इस तरीके से वांग ये सब करता देख के वांग जी को समझ नहीं आता है ये ओमेगा या तो पागल है या बहुत ज़्यादा बहादुर है या बहुत ज़्यादा शेमलेस है। इतना ज़्यादा सेडेटिव वे में वांग जी के साथ ये करना क्या चाह रहा है। वहीं ऊपर से इसकी ये सिल्वर आइज इतना ज़्यादा क्यों वांग जी को अपनी तरह अट्रैक्ट कर रही हैं। ये सचमुच में उतना बहादुर है नहीं जितना बन रहा है। वांग जी को ये चीज़ एक सेकंड में महसूस हो जाती है क्योंकि घबरा रहा है वहीं वांग जी की शर्ट के बटन खोलते हुए। कोशिश तो वो कर रहा था लेकिन उसकी वो कपकपी वांग जी को फील हो गई। उतना ही नहीं वांग जी जो अब अपने अल्फा के कंट्रोल में नहीं है और अब अपने क्लियर माइंड में है उसे अब बिल्कुल क्लियर विंग का फेस जो उसके फेस से कुछ ही इंच पे दूरी पे है उसे दिख रहा है तो वो ये भी देख सकता है कि ये एक बच्चा है। वांग जी एक 25 ईयर ओल्ड अल्फा है और ये पर्सन शायद अभी या तो 16 या 17 ईयर ओल्ड है। वैसे विंग 18 है लेकिन अभी उसको क्योंकि वो एक तरह से कमज़ोर भी है और खा भी आजकल कम रहा है उसकी बॉडी इसे बहुत अंडर एज जैसी दिख रही है। वांग जी समझ चुका है कि शायद ये किसी मोटिव के कारण ही इस रूम में आया है। वो कोई वांग जी की ब्यूटी या एक तरीके से बाकी जो अल्फाज वांग जी के साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए जो अटैम्प्ट करते हैं उन जैसा उनमें से नहीं है लेकिन ये बहुत क्यूट है क्योंकि ये बहुत क्यूटली शायद पहली बार ये सब कर रहा है इसलिए वो कोशिश तो कर रहा है कि वो सेडक्टिव बने लेकिन वो बेचारा क्यूट हरकतें ज़्यादा कर रहा है। बटन खोलते खोलते उसे जब खुल नहीं रहे तो अपने फेस में अपनी जीभ हल्के से दांत के नीचे दबा के कोशिश कर रहा है कि वो खुल जाए। जिसे वियांग जी को समझ आ गया कि कुछ तो है लेकिन उसका अल्फा जैसे वो तो इस ओमेगा की स्मेल में अपने ऊपर कंट्रोल ना करके एकदम से इस ओमेगा को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता है इसलिए वो फिर से वांग जी के ऊपर कंट्रोल करते हुए विंग को तुरंत बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग को पैशनेटली किस करने लगता है और वो करने लगता है जो वांग विंग चाहता था। वो उसकी नेक पे उसकी चेस्ट पे उसके निपल्स में पूरी तरह से सक्स और बाइट करना शुरू कर देता है। अब वो विंग की बॉडी के साथ पूरी तरह से प्ले करने लगता है। वांग को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है उसकी बॉडी हर एक वांग जी के टच पे कांप भी रही है। वो जानता है कि वो उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल है एक टोटल स्ट्रेंजर अल्फा के सामने खुद आ जाना खुद उसको ऐसे अपने आप को उसे सौंप देना लेकिन उसे अपनी सीजे का प्यार याद आता है बचपन में कैसे उसकी सीजे सबसे छुपा के उसको खाना खिलाती थी। याली भी 25 साल की है और विंग से काफ़ी बड़ी है इसलिए वो विंग को बहुत प्यार करती थी बहुत लाड करती थी और वो उसके लिए विंग का उसके लिए कुछ भी करना तय है। वो अपनी सीजे को उस जिन प्लान पैक में तो नहीं रहने देगा। कहाँ है उसकी सीजे क्या उसकी सीजे ये सब चीज़ें जो आज बेचारा विंग घबरा के डर के कर रहा है ये चीज़ें कब से सह रही होगी उसके साथ क्या हो रहा होगा ये सोच के विंग कई रात तक सोया नहीं पाता। अब तक उसे कभी चैन से नींद नहीं आती रोज़ रात में। अब वो रात के डरावने सपने आते हैं जब उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स की डेथ हुई उसकी सीजे को किस तरीके से वो खींच के ले गए यंचा को गोली मारी वो सब सीन उसकी आंखों के आगे आता है। वो दर्द तो कुछ नहीं है इस दर्द के आगे जो इस समय ये अल्फा उसे दे रहा है उसकी बॉडी पे बाइट कर रहा है उसकी निपल्स को पूरी तरह से सक और बाइट कर रहा है उसकी पूरी बॉडी को जैसे वो पूरी तरह से अपने बाइट मार्क से करना चाहता है। विंग की बॉडी बेचारी फ्रेजाइल सी वो अनटच बॉडी इन सब चीज़ों को बहुत डर डर के सह रही है। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो उसका टच भी आपको एक्साइटेड फील करवाता है आपको अच्छा फील करवाता है लेकिन एक स्ट्रेंजर को जिसके लिए मन में के आपके मन में उसके लिए फीलिंग ना हो उसके साथ ये करना विंग के लिए कितना हार्ड है। वो बेचारा कैसे एक्सप्रेस करे लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा। उसे दिख रहा है तो बस अपनी सीजे और अपनी फैमिली का रिवेंज अपनी सीजे को सेव करना और अब इन धैन क्लैन को बर्बाद करना इसलिए वो वांग जी को ये सब करने दे रहा है। वांग जी भी अब विंग की बॉडी से ऑलमोस्ट सारे कपड़े रिमूव कर चुका है। वांग जी के अल्फा को विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है उसका ओमेगा की स्मेल जो ऑलरेडी वांग जी के अल्फा को ये महसूस करवा चुके हैं कि यही उसका मेट है
इसी कारण पांगजी का अल्फा तुरंत विंग को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने ऑलमोस्ट विंग को न्यूट तो कर ही दिया और अब वो धीरे से विंग की को प्रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है। विंग जो अभी शायद 18 ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बच्चे जैसा उसकी बॉडी है, ऊपर से इतनी कम एज में उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो तो ठीक से खाता पीता भी नहीं है, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक सी है। इसी कारण शायद सिर्फ वांगजी की फिंगरिंग से ही उसको ब्लड आने लगता है। और जैसे ही वांगजी का अल्फा ये चीज़ महसूस करता है तो उसे थोड़ा शौक लगता है। इसी शौक का फ़ायदा उठा के वांगजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। और जैसे ही वो विंग को देखता है और ये महसूस करता है कि विंग एक वर्जन है, तो उसको दिमाग में पता नहीं क्या स्ट्राइक होता है। वो जोर से विंग से दूर होता है और तुरंत वहाँ से अपने आप को बाथरूम की तरफ लेकर आके खुद को बाथरूम में लॉक कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका अल्फा फिर से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और वांगजी को अभी अपने अल्फा पे हर हालत में कंट्रोल करना है। वो इस अंडर एज ओमेगा को जो एक वर्जन है, अब तक भी वांगजी को भी लग रहा था कि शायद ये यही काम करता है, कुछ होते ना प्रोस्टिट्यूट टाइप, उस टाइप का कोई पर्सन है जो शायद उसके किसी एक होता ना माफिया या फिर इस टाइप के पैक्स में जब दुश्मनी होती है तो किसी ने उसका फ़ायदा उठाने के लिए भेजा होगा। लेकिन जब वो श्योर हो जाता है कि ये पर्सन बिल्कुल वर्जन है, तो वो समझ जाता है कि इसके साथ ज़रूर कोई ये फोर्सफुली चीज़ें करवा रहा है, और वो बिल्कुल भी किसी ऐसे पर्सन को का मतलब एक तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और इसी कारण वो तुरंत अपने आप को लॉक कर देता है। वांगजी एक तरफ से अपने अल्फा को शांत करने की कोशिश कर रहा है जो विंग के ओमेगा फॉर्मन से ट्रिगर हो चुका है, और दूसरी तरफ माइंडलिंग से अपने भाई से बात करता है। तुरंत उन्हें और शुयांग को उसके रूम में आने के लिए बोलता है। इस बात पर उनका भाई बोलता भी है कि यहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स हैं जो हमेशा एक पैक लीडर या जो हायर पोजीशन के लोग होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए चलते हैं अल्फा गार्ड। तो वांगजी साफ मना कर देता है, वो साफ बोलता है कि इस रूम में सिर्फ उसके ब्रदर और शुयांग के अलावा कोई और अल्फा नहीं आना चाहिए। शायद ये वांगजी का अल्फा है जो इस ओमेगा के लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव भी फील कर रहा है। उसे पता है विंग की स्मूदिंग स्मेल कितनी ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। वो जानता है कोई और अल्फा आया तो कहीं वो विंग पे अटैक ना कर दे। उसका भाई और शुयांग दोनों मार्क्ड अल्फा हैं, तो उनके ऊपर किसी और ओमेगा की स्मेल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मार्क्ड अल्फा नहीं है उन पे विंग की स्मेल ट्रिगर कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ वांगजी अपने भाई के आने का वेट कर रहे हैं, जिन्हें शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वो इस होटल में नहीं थे। नी हुसैन को भी कुछ शक हो जाता है, उसे डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे लान शिचैन आ रहे हैं उसे भी पता है, और ये चीज़ उसे थोड़ा सा घबरा देती है। वो तुरंत विंग और वांगजी के रूम के पास आता है तो महसूस करता है कि शायद विंग अब रूम को के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उसका रूम अंदर से लॉक्ड है क्योंकि वांगजी के पास ही की कार्ड है। वांगजी ने ये चीज़ अपने साथ कर ली थी कि वो इस बाथरूम में आया था तो वो की कार्ड लेके आया था ताकि विंग यहाँ से बाहर ना जा पाए। वहीं पीछे वांगजी के अचानक से बाथरूम के जाने की वजह से विंग थोड़ा घबरा भी जाता है और वो डर भी जाता है। उसे समझ में आ चुका है कि शायद उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए वो तुरंत अपने कपड़े पहन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ पे उसे मतलब एक तो बाथरूम में ही उसका बैग था जो अब विंग के मतलब एक तरह से वांगजी अब उस बाथरूम में वो उन्हीं कपड़ों में भी है, थोड़ा सा उसे इस चीज़ का डर लग रहा है। वो लॉकेट तो उसके पास था तो उसने वो पहन लिया अपनी स्मेल को कंट्रोल करने के, लेकिन अब वो उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो काफ़ी घबराते हुए गेट के नॉक को बार बार हिला के खोलने की कोशिश कर रहा था। बाहर न्यूसैन को भी शक हो चुका था कि ये विंग ही है जो बार बार गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। इसे तुरंत अपने दूसरे की कार्ड से जो मेजर की कार्ड होता है होटल्स के पास होता है उसे विंग को तुरंत बाहर निकालता है और वहाँ से ले जाता है। वो विंग को अपने कोट से कवर करके सेफली अपने ही स्टाफ रूम में ले जाता है, और उसके बाद वो विंग के फिर से पहले की तरह कपड़े बदलवा के उसे अपने साथ अपने घर की तरफ लेके निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ लैंड पैक के लोग पहुँचेंगे तो इस होटल को चारों तरफ से कंट्रोल कर देंगे और उसके बाद विंग का इस होटल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं जब शुयांग और लान शिचैन वांगजी के रूम में पहुँचते हैं तो रूम खुलते ही उनको भी एक ओमेगा स्मेल ट्रिगर होती है। हाँ, उन्हें वो उस तरीके से अराउज फील नहीं करवाती, लेकिन हाँ एक ओमेगा इस रूम में है उन्हें पता चल जाता है। वो थोड़ा डर भी जाता है वांगजी को लेके, क्योंकि आज तक वांगजी अगर कोई ओमेगा यहाँ होता है तो अब तक उसे मार चुके थे, लेकिन वो उसे मारा नहीं या छोड़ा या क्यों उन्हें बुलाया वो जानना चाहते थे। वो रूम में देखते हैं तो कोई नहीं है, रूम खाली है, लेकिन बाथरूम से अचानक से वांगजी बाहर निकलता है सपोर्ट के साथ। अब तक वांगजी का अल्फा काफ़ी हद तक एक तरह से शांत भी हो गया था, जिसे वांगजी ने खुद सेल्फ सेटिस्फाई
ट्राई किया था। और उसके बाद अब वो रूम के जब बाहर आता है तो देखता है कि रूम में रिंग नहीं है। उसके ब्रदर भी उसे देख के थोड़ा परेशान होकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो वांगी? जिस बात पे उसके ब्रदर को वांगी इशारा करके कंफर्टेबल करवाते हुए बोलते हैं कि हाँ वो ठीक है, लेकिन वो ओमेगा कहाँ है जो इस रूम में था। इस बात पे शुयांग और शिचैन उसे बताते हैं कि जब वो इस रूम में आए थे तो ओमेगा नहीं ही था। इस चीज़ से वांगी को थोड़ा शौक लगता है क्योंकि की कार्ड उसके पास था। वो तुरंत अपने ब्रदर से बोलता है कि ओमेगा अभी होटल में ही होगा, आप जल्द से जल्द इस होटल की CCTV और उस ओमेगा को ढूंढिए। वांगी के टैग के सारे गार्ड और उसका ब्रदर और उसका दोस्त ये सब लोग मिलके अब वह पूरे होटल को छानने लगते हैं विंग की के बारे में। जितना वांगी ने बताया कि वो एक कमज़ोर सा एक अंडर एज ओमेगा है, उसने इस टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, CCTV में कुछ शो ही नहीं होता। हैरानी की बात तो यह है कि उस CCTV फुटेज को पूरी तरह से गायब कर दिया है, यानी उस कॉरिडोर में कैसे विंग वांगी के रूम में पहुंचा, कैसे निकला, कोई फुटेज ही नहीं है। इस चीज़ से सब लोगों को शौक भी लगता है क्योंकि ये नी मिंजे का होटल है जिसकी हर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा एक तरह से ना सेफ्टी वाइज और सिक्योरिटी वाइज बहुत ज़्यादा ये होटल फेमस है। तो इस होटल में ऐसा हो सकता था, उन लोगों के लिए भी शौक है। निमिंजे को भी तुरंत बुलाया जाता है, निमिंजे भी काफ़ी शौक होते हैं। वांगी एकदम से निमिंजे के हाथ में वो यूनिफॉर्म दे देता है जो उसे एक तरह से अपने वॉशरूम में मिली थी। उस यूनिफॉर्म को देख के निमिंजे थोड़ा शौक हो जाते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक ऐसे पर्सन की है जो इस जॉब को छोड़े हुए करीबन 6 महीने पहले जा चुका है। उसकी यूनिफॉर्म कुछ लोग होते हैं ना, उन लोगों के नाम की यूनिफॉर्म बनती है, मतलब उनके नाम एम्ब्रॉयडरी से टाग दिए जाते हैं। तो ये इस टाइप की यूनिफॉर्म थी और जिस पर्सन का इस यूनिफॉर्म पे नाम है मुझे बताते हैं कि वो पर्सन तो 6 महीने पहले छोड़ के जा चुका है, तो ये यहाँ पर्सन का यहाँ होना तो इम्पॉसिबल है। इस बात पे ये लोग काफ़ी शॉक होते हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा? विंग का प्लान तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, वो तो वांगजी को अपने आप से को ना ही मार्क करवा पाया और ना ही नोटेड हो पाया। अब क्या करेगा विंग और वांगजी क्यों विंग को अब ढूंढने के पीछे लग गया? कहीं जो विंग सोच रहा था कि वो वांगजी की हेल्प लेके अपने उसे उसकी हेल्प से मुसीबत या ये कह दे अपना रेवेंज लेगा, कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं वो बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। सो आपको क्या लगता है गाइज कि क्या होगा? एंड गाइज आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। एंड हाँ, एक स्पेशल थैंक यू आज मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे 2000 सब्सक्राइबर काफ़ी दिन पहले हो गए थे, लेकिन मैं तब आपको मुँह से बोल के थैंक यू नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं अब बैड लक और नज़र लगने वाली चीज़ों पर भरोसा करती हूँ। लास्ट टाइम मेरा चैनल ही चला गया था इसलिए मैं नहीं बोल पाई थी, लेकिन अब बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज मुझे सब्सक्राइब